पहले वाला जो हेडलाइट का शेप आता था उससे एकदम ही चेंज है, एकदम टोटल चेंज। अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मिरर्स की क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है। एज इट इज़ KTM का लोगो, और ये साइड वाला जो पैनल है इसमें कुछ चेंज किया गया है। मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको दिए गए हैं, इसका फ्रेम में भी चेंजिंग किया गया है। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो फिर से मैं KTM आ चुका हूँ, KTM ऑटो मोड अगर आपको मंगलवाड़ में पड़ता है, जहाँ से मैं खुद पर्सनली RC से मिली। तो हम कवर करने आए हैं आज एक बहुत ही अभी इधर पे बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल बीस्ट को देख लीजिए। अभी आपके सामने 2024 की नई वाले मॉडल, पुरानी वाली से क्या क्या डिफरेंस है, सेम है, माइलेज है, हर चीज़ की जो भी चीज़ें डिफरेंस करती है, इसको डिफ्रेंशिएट करें पुरानी वाली से, तो वो हम आपको नाम सेम करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। तो पहले वाला जो हेडलाइट का शेप आता था उससे एकदम ही चेंज है, एकदम टोटल चेंज। अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, सबसे पहला चेंज तो इसके फ्रंट में है, जो इसका LED लैंप है, और ये स्प्लिट में दी गई है, उसमें भी स्प्लिट में था, बट ऐसा इसका कुछ डिज़ाइन नहीं था। 390 में यहाँ पर साइड में LED भी आ रहा है, तो अभी है नहीं अवेलेबल कि आप लोग कंपेयर करके दिखाएँ, लेकिन हम वो भी दिखा देंगे। और इधर अगर आप साइड से एक बार आ जाइए तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एज इट इज़ KTM का लोगो, और ये साइड वाला जो पैनल है इसमें कुछ चेंज किया गया है, और लिखा भी गया है स्टिकरिंग से, ये ग्लॉस फिनिश में, ये मैट में। टैंक पे E20 फ्यूल की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। पहले से इसका टैंक का कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 13 लीटर्स का आता था, अब 15 लीटर्स का आने लगा है। और ये डिस्प्ले अभी इसमें की नहीं है, शायद बैटरी कनेक्शन ऑन नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। मिरर्स की क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है, वही मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको दिए गए हैं, इसका फ्रेम में भी चेंजिंग किया गया है। इंजन अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो 249 cc का ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन है FI, और ये पावर जनरेट करती है 31 PS की 9250 RPM पे, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 25 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पे। तो इसका इंजन भी कुछ अभी नया करा है KTM वालों ने, LC4C करके कुछ नया सीरीज में डाला गया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, तगड़ी पावर आती है। और अगर पीछे आ जाते हैं तो इसके बैकलाइट में भी चेंज किया गया है पुराने वाले ड्यूक से। यहाँ पे देख लीजिए टी सेक्शन में है, कुछ इसका कनेक्शन ऑन नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। ग्रैबरेल भी चेंज है, और ये मड फ्लैप में भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे पहले क्या था, ये पतला आया करता था, तो अब इसमें ये साइड साइड से दे दिया गया था कि पीछे वाले जो पिलियन होते हैं उनको कीचड़ वीचड़ का झेलना ना पड़े। और इसके टायर्स 150 सेक्शन के, वही रेडियल वाले ट्यूबलेस टायर्स जो KTM अपना देता है। और ये चेन सेट में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग मेरे को लग रहा है, इसका वही बनाना वाला स्विंग आर्म। और यहाँ पे ये देख लीजिए गियर शिफ्टर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आती है। ये आपको एडजस्टेबल है फुट पैक्स, जो कि सब में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मुझे ठीक लगी कि इसमें आपको लेग गार्ड, या यूँ कहूँ तो क्रैश गार्ड, KTM खुद से ऑफर कर रही है, जो कि RC में नहीं है, वो हमें लगवाना पड़ता है। तो इसमें भी और 390 में भी KTM खुद ही ऑफर कर रही है। और इसके मिरर्स का कुछ क्वालिटी भी चेंज हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिला के जो इसका बात है वो यही है। और इसमें कोई एडजस्टेबल सस्पेंशन इसमें नहीं दिए गए हैं, 390 में दिया गया है वो चीज़। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। और ऊपर से आप लोगों को स्विच अगर दिखाया जाए तो इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्ट अब सब एक ही में रह रहा है, ये सेल्फ का हो गया, ये किल स्विच हो गया, थोड़ा सा स्टाइलिश में आने लगा है पहले से। और इधर भी 390 की तरह ही स्विचेस दिए गए हैं, ये हॉर्न की प्लेसिंग, ये इंडिकेटर्स, ये पता नहीं क्या, ये हजार्ड का सिस्टम दिया हुआ है, हाँ हजार्ड दिया गया है। इस वाले 390 में हजार्ड भी आने लगा है। ओवरऑल गाड़ी का कुछ यही निकल के आता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एक्स शोरूम ये गाड़ी जो पड़ रही है अभी पटना में, वो पड़ रही है 238,362 रुपये की, और ऑन रोड पड़ रही है ये गाड़ी 278,228 रुपये की। तो जिन जिनको प्लान है भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है, पावर आउटपुट भी सही है, मेंटेनेंस भी ठीक है, 390 की तरह एकदम हाई भी नहीं है और 200 की तरह लो भी नहीं है, बीच बीच में है। और एग्जॉस्ट इसका तो पहले से ही वही आता है अंडरबेली, सॉरी इसमें पहले से जो है एग्जॉस्ट अंडरबेली नहीं आता था, स्टॉक का एग्जॉस्ट आता था, वो अब कंपनी ने चेंज कर दिया इसमें भी और 390 में भी। तो वही है टायर्स, अगर पीछे 150 सेक्शन, सामने वाले 110, तो
तो टोटल जो है गाड़ी का सब कुछ कुल मिलाकर जो है वो सामने ही है आप लोगों के। और अगर कुछ छूट रहा हो तो मैं देखूंगा, नेक्स्ट कवर करेंगे हम लोग कल, क्योंकि अभी हो चुका है रात। तो ठीक है फिर, हम लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।